एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। देर रात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, खिलाड़ी से हमला कर 3 लोगों को किया घायल, तो सगे भाइयों व एक महिला गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। एसएसपी व डीआईजी मौके पर पहुंचे। बदमाश 1.5 लाख की जेवरात व 15,000 नकदी लेकर हुए फरार। घटना थाना हाईवे पीछे आर के पुरम की कॉलोनी की है। कॉलोनी है जो कि रेलवे लाइन के किनारे है। वहाँ पे आज भोर में लगभग 2:30 बजे के आसपास एक मकान था जिसमें ये प्रेम हैं, उनका मकान है। तो उस मकान में करीब 4 या 5 बदमाश जो है, अभी ये संख्या क्लियर नहीं है, ये लोग घुसे थे। और मकान की नवीयत इस तरह से है कि उसका जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के ऊपर काफ़ी जगह है, पता बदमाश उसी में से कूद के अंदर आए हैं। और उन्होंने घर के जो लोग थे जिसमें प्रेम है, उनके छोटे भाई प्रेमपाल हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं, और उनकी पत्नी है, तीनों लोगों को उन्होंने लाठी डंडों से चोट पहुँचा कर उनके कान के जो महिला है उनके कान की बालियां वगैरह नोच ली हैं। इसके अलावा उनके संदूक में कुछ कीमती जेवरात वगैरह रखे थे, उन जेवरातों को अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। मैं भी अभी आगरा से चल के यहाँ पर आ चुका हूँ, और हम लोग का प्रयास ये है कि इस घटना का अनावरण शीघ्र करें और जो घायल हैं उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मेरी सीएमएस साहब से बात हुई है। उनका एक्सरे भी कराया जा रहा है, उनका सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है। यद्यपि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी बेहतर इलाज की दृष्टि से जिलाधिकारी से वार्ता की जाएगी और समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। और इस घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया है। इसमें जो हमारी साइबर सेल है आगरा की, उनके पास विशेष दक्षता है इस प्रकार के अपराधों का अनावरण करने की, तो उनकी टीम भी वहाँ से हमने अपनी टीम रवाना की है, और वो जल्दी आके यहाँ पे जो बाकी फॉलोअप का कार्य है, किन बदमाशों ने यह घटना की है उनको चिन्हित करने का और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने का, ये हम लोगों ने प्लान किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना का सफल अनावरण भी हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे मजबूत हैं उनका भी बेहतर इलाज करेंगे। जैसा माओरिया की घटना से इनका क्या लगता है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये कहना अभी मुश्किल है, ये बहुत जल्दबाजी है। हम लोग सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं, और जैसा होगा उसमें डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में आपको समय समय पर हम लोग अपडेट देते हैं। कितने कितने टीम? 4 मथुरा से आमिर अली की रिपोर्ट।